अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी का तीसरा भाग इन दिनों खूब चर्चा में। दरअसल इस फिल्म के सीक्वल के लेकर पिछले कई महीनों से चर्चा गर्म है। जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुए तब से इस बात पर विवाद चल रहा है कि हेरा फेरी 3 में राजू के किरदार में अक्षय कुमार होंगे या नहीं। फाइनली हेरा फेरी 3 के टीजर की शूटिंग हो चुकी और हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार की मौजूदगी भी कन्फर्म हो चुकी। अब देखना यह है कि तीनों की तिगड़ी अब क्या नया धमाल मचाती और इस बात से परेश रावल ने भी पर्दा उठा दिया। तो चलिए हेरा फेरी 3 की स्टोरी क्या होगी ये जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। सब्सक्राइबर करना आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल देता है कि हम आगे ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें। हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की वही पुरानी जोड़ी दिखने वाली जिसका फैंस बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिछले कुछ महीने से ये चर्चा हो रही थी कि अक्षय कुमार की जगह इस फिल्म में कार्तिक आर्यन को लिया जाएगा। जब से बात फैंस को पता चली सारे फैंस नाराज हो गए थे और अक्षय कुमार की इस फिल्म में वापसी की मांग कर रहे थे और इसका असर सोशल मीडिया पर भी हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि हेरा फेरी 3 में हमें अक्षय कुमार दिखेंगे। हाल ही में हेरा फेरी 3 के टीजर को शूट करने के लिए पहुंचे थे जहां तीनों लीड कास्ट एक साथ एक फ्रेम में हमें नजर आए थे। इसी बीच में परेश रावल ने हेरा फेरी 3 के स्टोरी के ऊपर से पर्दा उठा दिया। हेरा फेरी 3 की शूटिंग पहले साल 2014 में होने वाली थी लेकिन बाद में इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। नीरज ओरा इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे लेकिन बाद में उनकी तबियत में बहुत खराब आ गई जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया और साल 2017 में उनका निधन हो गया। उसी समय अक्षय कुमार इस फिल्म से बाहर होने की खबर आ रही थी। बाद में इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और जॉन इब्राहिम को नए किरदार में डाल दिया गया लेकिन बाद में सभी चीजें पोस्टपोन हो गई। लेकिन अब कहानी पूरी तरह से बदल दी गई, इसमें अक्षय कुमार फिल्म का हिस्सा होंगे। परेश रावल ने हेरा फेरी 3 की स्टोरी के बारे में इंटरव्यू में खुलासा किया। इस बार तीनों कैरेक्टर विदेश में एक स्कैम में फंसने वाले। खबर ये भी है कि कार्तिक आर्यन इस बार फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। परेश रावल ने कहा कि पहले इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और अक्षय कुमार दोनों भी इस फिल्म में काम करने वाले थे लेकिन अब राजू, श्याम और बाबू भाई का किरदार ये तीनों ही निभाते हुए नजर आएंगे और इस बार वो विदेश में हेरा फेरी करते हुए नजर आएंगे। परेश रावल ने साथ में ये भी कहा कि इस फिल्म की शूटिंग 3 महीने के बाद शुरू की जाएगी। शूटिंग पहले मुंबई में की जाएगी और बाद में इसे विदेश में लेके जाएगा जहां पर लॉस एंजल्स, दुबई और अबुधाबी जैसे कंट्रीज में इसकी स्टोरी आगे बढ़ी। यानी कि तीनों लोग इस बार दुनिया भर में हेरा फेरी करते हुए नजर आएंगे। हेरा फेरी 3 का निर्देशक फराज सामजी करेंगे। इससे पहले उन्होंने हाउसफुल 4, बच्चन पांडे जैसी फिल्में डायरेक्ट की। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिगड़ी फ्रेंचाइज को इससे पहले बहुत ज्यादा पसंद किया गया। हेरा फेरी 2000 में आई थी और बाद में इस फिल्म के सीक्वल यानी कि फिर हेरा फेरी को 2006 में रिलीज किया गया और लगभग 17 सालों के बाद इस फिल्म के तीसरे भाग को बनाया जा रहा है। हेरा फेरी 3 के लिए अभी तक किसी एक्ट्रेस का नाम सामने नहीं है, जैसे ही आता है हम आपको बता देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कर लीजिए 10,000 सब्सक्राइबर करने की बहुत जल्दी जल्दी कर लीजिए। नहीं किया तो कर लो यार, कर लो जल्दी से।